ये स्टोरी आज से है तो बहुत पुरानी है, क्योंकि मैं मेजर हरिपाल सिंह अलवालिया, मेजर हरिपाल सिंह अलवालिया उनके साथ लास्ट 45 ईयर्स से हूँ। तो दिमाग में तो एक तो रहता था कि एवरेस्ट एवरेस्ट है, लेकिन वहाँ एवरेस्ट तक पहुँचना तो ख्वाब था, ख्वाब ही है। लेकिन हमने ये सोचा चलो इसको एवरेस्ट बेस कैंप तक ही जाया जाए। तो उसका मेरे को 8-9 महीने पहले दिमाग में आया कि ये करना है। वो तब से लेके 8 महीने से, 8-8.5 महीने से रोज मॉर्निंग में प्रैक्टिस करना, सुबह 6 किलोमीटर दौड़ना एवरी सैटरडे, कम से कम 35 से 40 किलोमीटर रोज नॉन स्टॉप एवरी सैटरडे चलता होता था। तो ये मेरा टारगेट था। हालांकि दिक्कतें बहुत थी, वो उसको टाइमिंग में भी 6 किलोमीटर 32 मिनट के अंदर आना बड़ा मुश्किल था, लेकिन धीरे धीरे उसको टाइम मैंने कवर कर करके वो कम्प्लीट हो गया। रही बात फिर जब एक्सपीडिशन, जब यहाँ से चले गए, यहाँ से काठमांडू गए, काठमांडू से बुकला आए, छोटा सा जहाज था, खड़खड़ करके लैंड हुआ, फिर वहाँ से जो शुरू हुआ धीरे धीरे, पर वो बड़ा स्टार्टिंग के दो दिन के बाद तो थोड़ी सी हालत मेरी ख़राब हो गई। रात को फीवर भी होता था, सुबह मॉर्निंग में फीवर होता था, मेडिसिन खा के चलता था मैं, पैरासीटामॉल 650 की। बेस कैंप में वो जो मेरा सपना था इतने टाइम से, जो मैं देख रहा था लास्ट 40-45 ईयर्स से, तो उसके 8 महीने से जो चल रहा था वो सपना, वो मैंने देखा कि अब ये मेरा पूरा हो रहा है। तो वो उसकी जो खुशी थी वो बताई नहीं जा सकती, वहाँ की फीलिंग थी। लेकिन उस फीलिंग के साथ वहाँ की जो बर्फीली हवाएं थी वह भी वो झंगा झोल रही थी, लेकिन ये सारी जहद जितनी भी थी वो उस दिन खत्म हो गई। ये है कि आदमी अगर संकल्प कर ले तो वो काम पूरा हो सकता है, चाहे वो धीरे धीरे होता है। इसके अंदर सिर्फ मेजर HPS अलवालिया सर हैं जिनके साथ, वो तो एवरेस्टर थे और मैं कहा बेस कैंप तक, मेरा कहा चलो कुछ तो रह के उनके साथ तो कुछ तो करूँ। ये सारा कुछ है, ये उन्हीं का देन था जो दिमाग में मेरे चल रहा था लास्ट 40-45 सालों के साथ, उनके साथ रह रहे के तो दिमाग में था कि चलो कुछ तो किया जाए। तो मैंने ये, क्योंकि हमारे मेजर साहब जो भी काम करते थे बड़ा काम करते थे, तो मैंने भी सोचा इतना बड़ा तो ना करो, कम से कम बेस कैंप तो चला। मेरी जो प्रेरणा जो मिली मेरे को, कोई और नहीं, ओनली मेजर HPS अलवालिया सर, नन ऑफ देम, कोई भी नहीं इसके अलावा। लास्ट 45 ईयर्स से मेरे दिमाग में ये कीड़ा था कि सर ने जो किया उसका कुछ परसेंट तो मैं कुछ कर सकूँ, तो इसलिए मैंने किया। अदरवाइज ये काम मेरे बस की बात तो थी। थैंक्स उस प्रभु का, मेजर साहब का, जिन्होंने ये मेरे को प्रेरणा दी कि ये मैं कर सकता। दो लाइनें आप चेयर में हमारे लेट मेजर HPS अलवालिया जी के बारे में बोलना चाहेंगे? क्यों नहीं, उनके लिए कि हमेशा मेरे दिल में आता है, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपके जिन गोविंद दिए। मेरे लिए गुरु गोविंद यही, मेरे गुरु गोविंद मेजर HPS अलवालिया साहब थे और वही हमेशा रहे। जय तो मेजर अलवालिया।